इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के कानपुर टेस्ट में ये चल क्या रहा है, सब लोग कंफ्यूज्ड है। जहाँ गाइस करेंटली इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का सेकंड टेस्ट मैच कानपुर में चल रहा है एंड आप लोग ने देखा होगा अभी तक सिर्फ 35 ओवर्स हुए हैं जो कि डे वन में हुआ था एंड डे टू तो कम्प्लीटली कॉल ऑफ कर दिया गया था एंड आज भी डे थ्री को कम्प्लीटली कॉल ऑफ कर दिया गया था ड्यू टू वेट आउटफील्ड। लोग इस ग्राउंड के ड्रेनेज सिस्टम को तो क्रिटिसाइज कर ही रहे हैं बट बीसीसीआई को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भाई कौन इस ग्राउंड में मैच करवाया यार, टेस्ट मैच मजाक थोड़ी है। लाइक लिटरली आज सुबह से बारिश नहीं हुआ था एंड पूरा ग्राउंड भी कवर्ड था, स्टिल प्ले कंटिन्यू हुआ ही नहीं क्योंकि वेट आउटफील्ड था। एंड कानपुर के पिच क्यूरेटर तो कुछ और ही बोल रहे हैं। वो बोले कि हम लोग को 3 डिफरेंट टाइम्स मिला था इंस्पेक्शन के लिए बट हम लोग को बताया नहीं गया कि इशू क्या है, कौन से ग्राउंड के एरिया को लेकर प्रॉब्लम है। हम लोग ने ऑफिशियल्स को इन्फॉर्म भी किया कि आप लोग मैच स्टार्ट कर सकते हो एंड अगर कोई कंसर्न्स है तो हम लोग को बताओ, हम लोग फिक्स करेंगे, बट क्लियर कम्युनिकेशन हुआ ही नहीं। अब पता नहीं यार क्या चल रहा है, किसका गलती है, बट फैंस तो काफी ज्यादा गुस्सा है कि ये मिस कम्युनिकेशन की वजह से इंडिया के इंपॉर्टेंट डब्ल्यूटीसी पॉइंट्स मिस हो रहे हैं। ये पॉइंट्स बाद में जाकर बहुत भारी पड़ सकती है इंडियन टीम को क्योंकि बीजीटी टूर्नामेंट के दौरान वो लोग थोड़ा प्रेशर में आ सकते हैं। सो या गाइस आपका क्या ओपिनियन है इस सिचुएशन को लेकर मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना।